अगर बात की जाए बॉलीवुड की उन फेमस एक्ट्रेसेस के बारे में जो कंगना रनौत के बाद अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का, जो हर एक मुद्दे पे अपनी बात जरूर रखती हैं और चर्चाओं में आ जाती हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आई। पिछले दिनों फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर रिलीज हुआ, जिसमें काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर को लेकर देश भर में बवाल मचा, जहां कई लोग इस पोस्टर की निंदा कर रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पोस्टर का समर्थन करते हुए कहा, मुझे इसको लेकर कोई परेशानी वाली बात नहीं लगती। सांसद ने कहा कि काली के कई रूप हैं, मेरे लिए काली का मतलब मांस प्रेमी शराब स्वीकार करने वाली देवी। लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इसे लेकर कोई परेशानी नहीं है। इस बयान ने देश भर में बवाल मचा दिया। कई लोग उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा की पार्टी ने भी उनके इस बयान से अपना पलड़ा झाड़ लिया। लेकिन बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने महुआ मोइत्रा के इस बयान पर उनका समर्थन किया और साथ ही उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की खुलकर बोलने की तारीफ की। इसे लेकर स्वरा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे महुआ को टैग करते हुए लिखा, महुआ मोइत्रा शानदार है, उनकी आवाज को और हिम्मत मिले। अपने दूसरे ट्वीट में स्वरा लिखती हैं, प्रिय हिंदू दक्षिण पंथियों और दूसरे दक्षिण पंथियों जो फिलहाल डरे हुए हैं, अगर आप हिंदू धर्म की विविधता को नहीं समझ सकते तो आप इस धर्म के अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान नहीं करते। यानी कि क्या ये हमारे धर्म का अपमान नहीं है? पोस्टर में दक्षिण पंथियों को ट्वीट के जरिए नसीहत देने और महुआ मोइत्रा का समर्थन करने के बाद अब स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही हैं, जहां एक यूजर ने स्वरा को टैग करते हुए लिखा है कि आप केवल हिंदू धर्म के लोगों को नसीहत क्यों दे रही हैं? बाकी धर्म के लोगों के लिए कहां गई आपकी नसीहत? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, स्वरा को आदत है हर बात में टांग अड़ाने की, उन्हें कोई सीरियसली ना ले। तो इस तरह से स्वरा को मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। तो स्वरा के इस विवादित बयान पे आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।